सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति एकेडमी। सो आप में से जितने भी स्टूडेंट जो है वो 2022 के जेई मेंस को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के मन में एक ही डाउट है कि भैया हमारा जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, कब हम जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, कब हमारा जेई मेंस का एग्जाम होगा और इस बार कितने अटैम्प्ट होंगे, ठीक है ना। सो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन हर एक वीडियो पर आप लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जा करके आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है ना। सो इस वीडियो में ये सारी बात करने वाले हैं। सो चलते अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन सभी से पहले आप जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को जेई के रिगार्डिंग इसी टाइप का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, हमारा जेई मेंस का एग्जाम कब होगा और कितने अटेम्प्ट होंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर हमारा क्या चल रहा था, ठीक है। लास्ट ईयर का शेड्यूल क्या था, लास्ट ईयर का जो आप लोगों का जो है वो 16 दिसंबर को जो है वो नोटिफिकेशन आ गया था, जिसमें सब बता दिया गया था कि शेड्यूल कैसे क्या चलने वाला है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा, सेकंड अटेम्प्ट कब होगा, सारी चीजें, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछले ईयर जो है वो जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था वो आप लोगों का फरवरी में हुआ था, 24, 25 और 26 फरवरी को हुआ था, ठीक है। सो इस ईयर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आप सभी को पता ही होगा, अभी जस्ट जो है वो जोसा काउंसलिंग खत्म हुआ है, सीसेफ काउंसलिंग खत्म हुआ है, आज हमारा 21 दिसंबर हो चुका है और अभी तक कोई सा भी नोटिफिकेशन अपने पास नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल भी देखा होगा, बहुत सारे न्यूज सुनने में आ रहे हैं, तो कंफर्म यही है कि आप लोगों का कुछ भी जो नोटिफिकेशन होगा ये सब जो आप लोगों का वो जनवरी में ही आएगा, और आप लोगों का जो एग्जाम्स होगा वो आप लोगों का जो है वो फरवरी के लास्ट वीक में, यानी कि 28 फरवरी या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि कितने अटेम्प्ट होंगे, तो देखो एक बार लॉजिकली समझते हैं ना, डायरेक्टली बोलने से कोई फायदा नहीं है, लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। पिछले ईयर जो हुआ था आप लोगों का, पहले तो फरवरी में हुआ था, 24, 25, 26 फरवरी को हुआ था फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आप लोगों का जो मार्च में हुआ था, 16, 17, 18 मार्च को हुआ था, एंड देन उसके बाद जाकर के जो आप लोग लाए एंड अगस्त में हुआ था। तो सोच सकते हो फरवरी और मार्च के बाद अप्रैल मई जून का गैप जो है छोड़ दिया गया था, क्यों, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम को लेकर और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो वही बात है कि देखो अगर इस बार की अगर हम लोग बात करेंगे तो सोच के चलो, पिछले ईयर तो 16 दिसंबर को आया था, उसके बाद जाकर के फरवरी में आप लोग का एग्जाम हुआ था, इस बार जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में अगर आप लोगों का आएगा नोटिफिकेशन शेड्यूल एप्लीकेशन फॉर्म की कैसे चलने वाला है, तो आप लोग का एग्जाम अगर जिस वीक ऑफ फरवरी में भी अगर होता है तब भी जाकर के जो है फिर फरवरी में होगा, मार्च में होगा, फिर सीबीएसई का टर्म 2 का एग्जाम है, तो काफी सारे क्लासेस हो जाएंगे, जिसके वजह से 4 अटेम्प्ट होना थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है तो हो ही नहीं सकता है, ये लोग मैनेज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, लेकिन जाकर के अगर अभी हम लोग बात करें तो ये कंफर्म है कि 3 अटेम्प्ट तो आप लोगों का 100% होना ही होना, ठीक है, 4 भी हो सकता है लेकिन 3 अटेम्प्ट होने के 100% पक्का होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप लोग स्टडी करो, बाकी कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा इस चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, सेकंड वीक ऑफ जनवरी से पहले तो आप लोगों को कुछ भी परेशान नहीं होना, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बाकी उसके बाद जाकर के अगर आप लोग एग्जाम की बात करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों का जो है फरवरी के लास्ट वीक या फिर जाकर के मार्च के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बताना, आप सभी कमेंट रिस्पॉन्स कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को चैनल पर इसी टाइप का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहेगा, सो इसलिए मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।